अखिल भारतीय युवा नर्सेस एसोसिएशन के बैनर तले आज नर्सिंग कर्मी जेनल अस्पताल अधीक्षक अनिल जैन से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत कराया। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि नर्सिंग कर्मियों से सुपरवाइजर का काम करवाया जा रहा है, जिससे उनका काम प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही इस वर्ष से 3 छुट्टियों को बंद कर दिया गया है, जिससे नर्सेज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन द्वारा नर्सिंग कर्मियों के ओरिजिनल दस्तावेज खो दिए गए, जिन्हें अब तक तलाश नहीं किया गया है। इन सभी समस्याओं को लेकर सभी नर्सिंग कर्मी जेनल अधीक्षक से मुलाकात करने पहुंचे और उनसे अपनी समस्याएं बताई। इस पर उन्होंने आश्वास किया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। आज अखिल भारतीय युवा नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले राजेश मीणा अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम लोग वर्धमान में फर्स्ट ग्रेड जितने भी नर्सेज है उनको वार्ड के अलावा सुपरवाइजर का काम दिया गया है। सब सुपरवाइजर का एक फर्स्ट ग्रेड नर्स या तो वार्ड संभालेगी या सुपरवाइजर काम संभालेगी, दो काम एक साथ कैसे संभालेगी। प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों को नर्सेज पे डोल दिया है, सुपरवाइजर का सफाई का, जबकि सफाई प्रशासन ना तो इतने ही वर्कर देती है ना प्रशासन देखती है। उन समस्याओं को नर्सेज पे डोलना गलत बात है। एक तो इसका हम विरोध करना, नर्सेज सिर्फ एक ही काम करेगा, सिर्फ नर्सेज का काम, वो वार्ड को ही संभालेगा, मरीजों के हित का काम करेगा, हम सुपरवाइजर का काम नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि लगभग 200 स्टाफ है जो 2016 भर्ती में होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो प्रशासनिक भवन में जमा कराए थे वो प्रशासनिक भवन के कर्मचारियों की वजह से खो गए, जो उन्हें मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, इनके लिए हम साल भर से इनके पास आ रहे हैं, लेकिन इनके पास ये टालम टोल जवाब दे रहे, कोई इनके पास पुख्ता जवाब नहीं है, ना इनको पता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ गए। लगभग तकरीबन 2-3-4 साल की बात हो गई। और दूसरा हम तीसरे मुद्दे के बाद हम 3 डे ऑफ हर नर्सेज को हमेशा से दिया जाता है, लेकिन इस साल जनवरी 2020 से इन्हें बंद कर दिया गया है, जबकि हम काफ़ी दूर से आते हैं, दूर से हैं, जिन्हें जाने में भी एक दिन लगता है और आने में भी एक दिन लगता है। तो 3 नर्सेज हमें, 3 ऑफ हमें आवश्यक है। इसके लिए हमने मुद्दे पर बात की है, प्रशासन ने हमें जो चर्चा हुई उसमें आपने अपनी मांगे रखी क्यों नहीं? मांगे इसलिए रखी कि माननीय वाइस प्रिंसिपल साहब भास्कर साहब ने हमसे रिक्वेस्ट भी किया और अभी संवेदनशील माहौल, क्राइसिस भी चल रहा है, माहौल भी चल रहा है, हर जगह आप देख ही रहोगे मीडिया में, सब जगह, हर मेडिकल कॉलेज में सफाई को लेकर, बच्चों की मौतों को लेकर सब कुछ चल रहा है। इसको लेकर हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब ने हमसे रिक्वेस्ट किया, आज कोई डिमांड नहीं होगी, तो इस बात को इसको लेकर हमने कोई मांग नहीं की है। जब भी अच्छा हमें लगेगा या ये कुछ बदलाव आएगा, कंधे से कंधा मिलाकर हम प्रशासन के साथ हैं, डॉक्टरों के साथ हैं और हर तरीके से हम हॉस्पिटल प्रशासन को साथ लेकर चलेंगे। नर्सेस कर्मी आए थे अपनी मांगों को लेके, लेकिन वो आपकी परिस्थिति को देखते हुए आज उन्होंने अपनी मांगे नहीं रखी हैं। उन्होंने कहा मांगे बाद में बात करें, अभी हम सारा सहयोग प्रशासन के साथ करेंगे और वो अपने अपने स्थल पर काम करने चले गए। नर्सेस कर्मियों ने ये भी कहा है जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं उनसे सफाई का भी कार्य कराया जाएगा। आज उन्होंने अपनी कोई भी डिमांड हमसे नहीं करी है और उन्होंने कहा कि हम प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन जो हमें कह रहा है वो हम काम कर रहे हैं और उस पर कोई भी और वार्ता होगी तो उसके लिए बात का कोई समय चुनेंगे। आज वो सब अपने अपने काम पे चले।